Hey guys, welcome you once again to IT Circle YouTube channel। तो आज हम Jenkins सर्वर के बारे में बात करेंगे और इसे हम सेटअप भी करेंगे इसी मशीन पे। तो बेसिकली Jenkins सर्वर होता क्या है और किस पर्पस से हम इसे यूज करते हैं। तो Jenkins इज ए ओपन सोर्स ऑटोमेशन टूल एंड ये यूज होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। मीन्स आप सॉफ्टवेयर को बिल्ड करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, डिप्लॉयिंग करते हैं अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। तो लेट्स गो, हम इसे सेटअप करना देखते हैं कि हम किस वे में कैसे हम सेटअप कर सकते हैं। तो मैं जस्ट ओपन कर रहा हूँ फायरफॉक्स वेब ब्राउजर एंड मुझे Jenkins की साइट ओपन करनी है। ओके एंड फर्स्ट हम इसकी डॉक्यूमेंट पे जाते हैं एंड हम सर्च करते हैं उबंटू। ओके, तो ये कमांड है जो हमें अपने मशीन पे रन करना है। तो फर्स्ट मैं पहले Jenkins इसका आई थिंक मुझे चेंज करना है। वन सेकेंड गाइस, मैं ट्रांसपेरेंट को थोड़ा कम कर देता हूँ जो कि आपको स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल हो कि मैं क्या टाइप कर रहा हूँ। राइट गाइस, अब हम सर्च करते हैं इसमें JDK अवेलेबल है या नहीं है पैकेज। वो तो हमें 11 वर्जन चाहिए। ओके, ये वर्जन apt इंस्टॉल एंड हिट एंटर, टाइप y, कंटिन्यू एंड मैं वीडियो को पॉज करता हूँ बिकॉज ऑफ वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। तो मोस्टली मैं जानता हूँ कि गाइस ज़्यादा जो लंबी वीडियो होती है तो कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो ये जस्ट पैकेज को पहले ही वो सर्च करेगा एंड डाउनलोड करेगा देन इंस्टॉल कर देगा। तो मैं जस्ट ये चीज पॉज कर देता हूँ। ओके, तो JDK हमारा इंस्टॉल हो गया है। बेसिकली JDK हमने डाला क्यों है, क्यों हमारा जो Jenkins टूल है वो जावा बेस्ड है। तो जावा को रन करवाने के लिए हमें जावा मींस Jenkins को रन करवाने के लिए हमें जावा इंस्टॉल चाहिए अपने सिस्टम पे। तो हम फर्स्ट चेक कर लेते हैं हमारा जावा इंस्टॉल हो गया है या नहीं। ओके, 11 वर्जन। तो हम चलते हैं अब Jenkins का सेटअप मींस रिपोजिटरी इंस्टॉल करने के लिए। तो जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, हिट एंटर। ओके एंड सेकंड इज, वन सेकंड गाइस, एंड कॉपी एंड पेस्ट, डन। एंड मुझे अपडेट करना है अपनी रिपोजिटरी को। ओके, इट्स रीडिंग पैकेज लिस्ट, डन। अब जाके मैं इंस्टॉल करूंगा Jenkins। नाउ अवेलेबल, इसे भी मैं पॉज करता हूं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से मैं आता हूं गाइस। Jenkins हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसे रिस्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉरी, सिस्टम CTL स्टार्ट Jenkins
स्टेटस देख लेते हैं एक बारी। ओ या इट्स रनिंग एंड लोकल होस्ट एंड आप आईपी भी डाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेट्स गो गाइस। रिफ्रेश अगेन। योर ब्राउजर विल रीलोड ऑटोमेटिकली व्हेन जेनकिंग इज रेडी। ओके Now asking the password, so I need to copy this line. Oh, sorry, cat paste. ये आपको पासवर्ड है इसका एडमिन का, तो जस्ट कॉपी एंड पेस्ट हियर, क्लिक कंटिन्यू, सेव कर देता हूं मैं नेक्स्ट टाइम के लिए। प्लीज सजेस्टेड प्लगइन, एंड जो सिलेक्ट करोगे आप प्लगइन वो इंस्टॉल करेगा और उसमें सजेस्टेड प्लगइन इंस्टॉल करेगा। तो क्लिक ऑन, तो ये सजेस्टेड प्लगइन है, तो वन बाय वन इसे ये इंस्टॉल करेगा। तो हम देखते हैं। फोल्डर्स इज कंप्लीट। ओ डब्ल्यू ए एस पी मार्कअप फॉर्मेटर। ओके तो गाइज मैं इस वीडियो को यहीं पॉज करता हूं। जब ये ओवरऑल सब इंस्टॉल हो जाएगा तो मैं फिर से वापस आता हूं। तो प्लगइन मेरे इंस्टॉल हो गए हैं, हम इसे स्किप करते हैं। यहां यूजर कोई भी अभी क्रिएट नहीं करते, तो स्किप, सेव एंड मूव ऑन टू एक्सेस। वेट गाइस, सी ऑल द थिंग्स अपडेटेड प्रॉपरली, कोई भी इशू नहीं आया। ये नहीं कि कोई प्लगइन हमारा रह गया हो। तो होप फॉर द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीडियो। अगर हम इसकी प्लेलिस्ट डेफिनेटली बनाऊंगा, ये प्लेलिस्ट की पहली है वीडियो है। आगे नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी होगी। बेसिकली जो आइडिया है, नेक्स्ट वीडियो होगी कि हम जेनकिंग सर्वर को टॉम कैट पे डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं, तो वो देखेंगे नेक्स्ट। तो होप फॉर दी बेस्ट एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइज। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में कहीं भी आपको प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज़ आप मुझसे शेयर कीजिए। डेफिनेटली मैं आपको सपोर्ट करूँगा एंड गाइड करूँगा उस वे में कि कहाँ क्या मिस्टेक है, कहाँ क्या इशू आ रहा है। ओके गाइस, सो कीप लर्निंग, बी सेफ एंड बाय गाइस।